अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपने एआई को इस्तेमाल करते हुए चंद मिनटों के अंदर अपनी प्रोफेशनल कार्टून स्टोरी एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करनी है। यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं और बच्चे बड़े ही शौक से इस तरह की वीडियो देखते हैं, तो आप भी इस तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिएट करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि मुकम्मल प्रोसीजर होगा कि किस तरह से आपने एक मुकम्मल कार्टून एनिमेटेड स्टोरी वीडियो क्रिएट करनी है। इट डज नॉट मैटर अगर आपको एनिमेशन नहीं आती, आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती, स्टोरी लिखना नहीं आती, आपको अपनी वीडियोस को एडिट करना नहीं आता, आप अपना खुद का वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं कर सकते और आपको ना ही अपनी वीडियोस के ऊपर सबटाइटल लगाना आता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसके जरिए सारा का सारा काम हम ऑनलाइन एआई से करवाएंगे। एआई ही हमारी सारी ये जो काम है, अपनी वीडियोस पे सबटाइटल लगाना, वॉइस ओवर, अपनी पिक्चर्स डाउनलोड करना, उसके अलावा सारी स्क्रिप्ट वगैरह हम सारा का सारा काम एआई से करवाएंगे। जस्ट हमने क्या करना है, हमने अपनी उस वीडियोस को जो भी हम कंटेंट लेंगे उसको हमने एक वीडियो एडिटर के अंदर इकट्ठा करना है और एक वीडियो क्रिएट कर देनी है। दैट्स इट, और आपकी एक वीडियो तैयार हो जाएगी। वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो स्टोरी लेनी है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमने उस स्टोरी के ऊपर वॉइस ओवर किस तरह से जनरेट करवाना है। थर्ड पार्ट में देखेंगे कि हमने पिक्चर्स और वीडियोज कैसे डाउनलोड करनी है। और फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से जो पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे उसको एनिमेट करना है और उस पिक्चर को जो है वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है। पांचवे पार्ट में हम देखेंगे कि हमने अपनी उस वीडियो को जो है वो एडिट कैसे करना है, मतलब हमने वॉइस ओवर पिक्चर जो डाउनलोड की उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर वीडियो कैसे बनानी है। और सिक्स्थ और लास्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी वीडियो के ऊपर प्रोफेशनल टाइटल्स लगाने हैं, वो भी एआई को यूज करते हुए। याद रहे, सारा काम हमने एआई से करवाना है, खुद नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप देखें, एक बात याद रखें, ये जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ ये आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बताने बैठ के कि आपने ये किस तरह से काम करना है तो बहुत ही लंबा काम हो जाता है, क्योंकि मोबाइल पे आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में मैं एक से ज्यादा काम लैपटॉप पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं मोबाइल के ऊपर वो काम जो है एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूँ। सो इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेकर चल रहा हूँ, बता देता हूँ कि किस तरह से आपने कार्टून एनिमेटेड स्टोरी वीडियोस क्रिएट करनी है जस्ट बाय यूजिंग एआई इन फ्यू मिनट्स। लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप में हम ये देख लेते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो स्टोरीज लेनी है, कहाँ से आपने स्टोरीज लेनी है। तो उसके लिए मशहूर जमाना चैट जीपीटी के पास आएंगे और आपने इसको सिंपल कह देना है कि मुझे एक न्यू शॉर्ट स्टोरी लिख के दे दो बच्चों के लिए, ठीक है, मॉरल स्टोरी होनी चाहिए, और आपने इसको सेंड कर देना है। आपके पास स्टोरी जो है वो लिख के आ जाएगी। अगर आपको यही स्टोरी उर्दू हिंदी में चाहिए तो आपने इसको कह देना है कि राइट दिस इन उर्दू। अब मैंने इसको सिंपल ये कहा कि राइट दिस इन उर्दू, तो ये मुझे उर्दू के अंदर भी ये स्टोरी जो है वो लिख के दे रही है, लेकिन आपने उर्दू में नहीं लेनी, ठीक है, आपने इसको इंग्लिश के अंदर ही लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका टाइटल और इसकी जो स्टोरी है इसको आपने कॉपी करके नोट्स के अंदर सेव करके रख लेना है, ठीक है। ये मैंने इसकी स्टोरी कॉपी की एंड देन यहाँ पे मैं नोट्स में आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके रख ली। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है, हमारे पास स्टोरी आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि किस तरह से हमने जो है वो इस स्टोरी को यूज करते हुए एक वॉइस ओवर लेना है। तो उसके लिए एक वेबसाइट पे आएंगे, नारा कीट वेबसाइट है, ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने ओपन करने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो में आ जाना है और अब आपके पास जो है वो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने पहले थोड़ी सेटिंग कर लेनी है ऊपर, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिश रहने देना है, और नीचे आपने इधर एडवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे आपने जो है वो अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। अब सारी की सारी स्क्रिप्ट अगर आप एक बार पेस्ट करेंगे तो आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी और वॉइस क्रिएट नहीं होकर आपके पास आएगी। तो आपने क्या करना है, पहले एक पैराग्राफ जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पैराग्राफ सेलेक्ट किया, देन कॉपी करके स्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर दिया, एंड देन क्रिएट ऑडियो पे जैसे प्रेस करूंगा तो मेरे पास कुछ सेकंड्स के अंदर, मिनटों में नहीं, कुछ सेकंड के अंदर ही हमारे प्रोफेशनल ऑडियो वो तैयार होकर हमारे पास आ जाएगी। सो ऑडियो हमारी रेडी हो चुकी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड के ऊपर प्रेस करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। बैक आ जाना है दोबारा इसी वेबसाइट पे, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच पे आ जाना है। यहाँ पे अगेन आपने एडवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एडवर्ड, और यहाँ पर अब आपने जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ एंटर कर लेना है। पैराग्राफ है कॉपी करना है और उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने सारे पैराग्राफ वन बाय वन यहाँ पे पेस्ट करने हैं और उसके ऊपर जो है वो वॉइस ओवर आपने ले लेना। आपका पूरा वॉइस ओवर हो जाएगा, आपने उसको जो है वो कंबाइन करके प्रॉपर एक वॉइस ओवर लंबी, मतलब आपके पास पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर आपका एक वॉइस ओवर तैयार होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपने इसी तरह से लेते जाना, उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या है कि हमने जो है वो पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके लिए हम इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जो कुछ भी लिखेंगे उसके रिलेटेड आपको पिक्चर देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट का नाम है लेक्सिका, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपने प्रॉम्प्ट्स देनी है, आपने अपनी स्टोरी पढ़नी है, पहले स्टोरी के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसके रिलेटेड आपने जैसे ही प्रॉम्प्ट्स देंगे तो वो उसके रिलेटेड आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी। अगर आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं देनी आती तो सिंपल सा काम है, आप
اپنی اسٹوری پہ ہی ہیں. اسٹوری پہ آنے کے بعد آپ نے اسٹوری کی فرسٹ جو ہے پیراگراف ہو یا پھر فرسٹ لائن آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول سی کاپی کریں گے اور آپ نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے, دین اس کو سرچ کر لینا ہے. تو اس چیز کے ریلیٹڈ جو پکچر ہوں گی وہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گی. دیکھیں 1760 تصویریں میرے پاس اس چیز کے ریلیٹڈ آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل اچھی زبردست قسم کی جو ہے میرے پاس پکچر آ چکی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان پکچرس کو کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ. جو بھی پکچر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں رائٹ کلک کریں, ٹھیک ہے, سیو امیج کے اوپر آپ نے پریس کر لینا ہے اور آپ کی یہ امیج جو ہے وہ سیو ہو کے آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ ساری کی ساری جو امیجز ہیں وہ آپ نے سیو کر کے رکھ لینی ہے. کہ آپ نے پہلے پیراگراف کے ریلیٹڈ جو پکچر لینی تھی وہ آپ نے یہاں سے لے لی. اب جو ہم نے نیکسٹ پیراگراف اوپن کرنا ہے, ٹھیک ہے, نیکسٹ پیراگراف آپ نے کاپی کرنا ہے اور نیکسٹ پیراگراف کے ریلیٹڈ جو بھی پکچرز ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر لینی ہے. اب نیکسٹ پیراگراف میں نے انٹر کیا, اس کے ریلیٹڈ جو پکچرز آئیں وہ بھی میں نے میرے پاس آ چکی ہیں اور وہ بھی میں یہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. اب ہم نے فورتھ سٹیپ کے اندر کیا کرنا ہے کہ ان پکچرز کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا ہے. تو بہت ہی آسان طریقہ, ٹھیک ہے, آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے LEIAPAX, ٹھیک ہے, اس کا نام اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. تو اس ویب سائٹ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ آنے کے بعد لاگ ان کر لینا, سائن اپ کریں اور آپ نے یہ آپ کے پاس پلس والا کے نظر آ رہا ہے, آپ نے اس کے اوپر کر لینا ٹیپ. جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو اب آپ کے پاس پکچر جو ہے وہ آپ کی اوپن ہو جائیں گی. جو بھی پکچر آپ نے جو ہے وہ کنورٹ کرنی ہے ویڈیو کے اندر وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے. یہ میں نے ایک پکچر سلیکٹ کی ہے, اس کو میں اوپن کرتا ہوں, پروسیسنگ ہوگی اور آپ کے پاس آٹومیٹکلی وہ ویڈیو میں کنورٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائے گی. دیکھیں یہ موو کر رہی ہے, یہ تھوڑا تھوڑا نا موو کر رہی ہے, تو اس طرح آپ کو یہ جو ہے وہ ویڈیو فارم کے اندر مل جائے گی. سو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے سمپل جو ہے وہ شیئر کے اوپر ٹیپ کرنا ہے. جیسے ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا سیو ٹو یور ڈیوائس, آپ نے MP4 سلیکٹ کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ سیو کے اوپر آپ دوبارہ ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ کی گیلری کے اندر یہ جو پکچر ہے ویڈیو فارم میں سیو ہو کے آ جائے گی. تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ مطلب اپنی ویڈیوز کے اندر پھر کمبائن کر کے اس کے اوپر وائس اوور لگا کے اپنی پراپر ایک ویڈیو تیار کر سکتے ہیں. سو میرے پاس یہ پکچر جو ہے وہ ویڈیو فارم کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو کے آ چکی ہے. میں شو ان فولڈر کرتا ہوں اور آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں. اسی طرح سے آپ کے پاس جو بھی پکچرز آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو آپ نے ویڈیو فارم کے اندر کنورٹ کر کے لکھ لینا, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو فارم میں کنورٹ ہوگی. تو اسی طرح آپ نے جو بھی پکچرز ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ اپنے ویڈیو فارم کے اندر کنورٹ کر لیں گے. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, جو بھی ہم نے پکچرز ڈاؤن لوڈ کی اس کو ویڈیو فارم کے اندر کنورٹ کیا اور جو بھی ہم نے وائس اوور کیا, جو بھی اسکرپٹ لکھی, ان سب کو ہم نے جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر لے کے جانا ہے اور کمبائن کر کے ارینج کر کے, ٹھیک ہے, اس کو ایک پراپر ویڈیو تیار کر لینی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, کیپکٹ اپلیکیشن کو یوز کر لیتے ہیں. سو کیپکٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ کے اوپر پریس کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک نیو پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنے امپورٹ پہ پریس کر کے جو بھی آپ نے ویڈیوز اور جو بھی آپ نے آڈیو وغیرہ اے آئی سے لی وہ آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ امپورٹ کر لینی ہے. میرے پاس آڈیوز اور جو پکچرز ہیں یہ سارا کچھ یہیں پہ پڑا ہے اور میں یہاں سے جو ہے وہ اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن. تو یہ میرے پاس ساری پکچرز اور آڈیوز جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. اب آپ نے اس کو ٹائم لائن پہ لے کے آنا ہے اور اس کو کر لینا ہے ارینج, ٹھیک ہے. اب یہ میرے پاس پکچرز اور جو آڈیو ہے یہ ٹائم لائن پہ آ چکی ہیں اور اس کو اب ہم نے کر لینا ہے ارینج. اب دیکھیں میں اس کو اب آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو پلے کر کے دکھاؤں گا کس طرح سے ہماری جو ویڈیو ہے ایڈٹ ہوگی. اب اس طرح سے ہماری یہ جو ہے ویڈیو کچھ کریٹ ہوگی. سو آپ نے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے سے پہلے آپ نے جو اس کا سائز ہے پروجیکٹ کا سائز وہ آپ نے کیا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ریشو میں آ کے 1/1 آپ نے اس کا پروجیکٹ سائز رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیوں آپ نے یہ پروجیکٹ سائز اتنا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم لائن پہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اب میں نے کیا کرنا ہے, اس کو ارینج کرنا ہے, یعنی جب میرا ٹیکسٹ آئے گا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی میری جو ہے وہ پکچرز آئیں گی. تو اس کو میں جلدی سے ارینج کر لیتا ہوں. اب میں اس کو آپ کو جو ہے وہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ کریئٹ ہوئی ہے. The kind-hearted forest friends. Once upon a time in a lush and magical forest. So آپ دیکھ سکتے ہیں اینیمیشن بھی لگ گئی ہیں, اس میں موشنز وغیرہ بھی آ گئے ہیں, اب کی ویڈیو پراپر تیار ہو چکی ہے. اب آپ نے کر لینا ہے اسی طرح سے, اس کو کر لینا ہے ایکسپورٹ کے اوپر پریس کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے ریزولوشن سلیکٹ کرنی ہے اینڈ دین آپ نے اس کو کر لینا ہے ایکسپورٹ. سو اب ہماری ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکی ہے, ہم اوپن فولڈر کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ہماری ویڈیو آ چکی ہے v.io, ٹھیک ہے, ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہم نے آ کے سب ٹائٹل لگانے. تو آپ نے آ جانا ہے کروم کے اندر, v.io سرچ کرنا ہے اور اس کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. میں نے لاگ ان کر رکھا ہے اس لیے میرے پاس جو ہے وہ یہ انٹرفیس آیا, لیکن آپ کے پاس انٹرفیس آئے گا آپ نے پھر سائن اپ کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ ایشو ہوگا. آپ نے نیو ویڈیو کے اوپر پریس کرنا ہے, کریٹ پروجیکٹ پہ پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی وہ ویڈیو سلیکٹ کر لیں گے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں. اپلوڈ ویڈیو پہ آپ نے آنا ہے. اب یہاں پہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آ جائے گی, یہ ویڈیو ہماری آ چکی ہے. آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ رائٹ لیفٹ سائڈ پہ سب ٹائٹل پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آٹو ٹرانسلیٹ کے اوپر آ جانا ہے, ٹرانسکرائب سوری, اینڈ دین آپ نے ایڈ آٹو ہائی لائٹنگ کریٹ سب ٹائٹل پہ پریس کر لینا اور یہ
आपका सोर्स अपलोड हो रहा है यानी आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, फिर आपके इसके ऊपर ऑटोमेटिकली सबटाइटल लग जाएंगे और फिर आपकी जो वीडियो है प्रॉपर तैयार हो जाएगी .io। अब ये लोगो आप क्रॉप करके जो है रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी पूरी साइज अगर सिलेक्ट करेंगे तब आप इसको क्रॉप नहीं कर पाएंगे, तब आपकी वीडियो भी क्रॉप होगी। अब हमारी वीडियो के ऊपर सबटाइटल ऑटोमेटिकली लग के आ चुके हैं, मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूं। द काइंड हार्टेड फॉरेस्ट फ्रेंड्स वंस अपॉन आपके सामने ही इसके ऊपर जो है सबटाइटल भी लग चुकी है। जब आपकी वीडियो तैयार हो जाए आपने क्या करना है, डन के ऊपर प्रेस कर लेना है एंड देन आपने एक्सपोर्ट वीडियो के ऊपर प्रेस करना है। वाटरमार्क के साथ ही हम इसको लेंगे क्योंकि अगर हम वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो इस वेबसाइट को परचेज करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपको वेबसाइट को परचेज भी ना करना पड़े और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। तो आपने वीडियो जब भी क्रिएट कर रहे हो तो ऊपर वाली साइड जो है वो छोड़ देनी है खाली, ताकि उसको हम बाद में क्रॉप कर सकें जिसमें हमारा वाटरमार्क आएगा। अब यहाँ पर डाउनलोडिंग का बटन है, मैं डाउनलोडिंग पर प्रेस करता हूँ, MP4 में आ जाता हूँ और 720p, ठीक है। और ये हमारी वीडियो यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट होगा मतलब सब टाइटल आपकी ऑडियो अब ये होगी है, ठीक है। मैं शोन फोल्डर करता हूँ एंड देन फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। मैं इसको प्ले करता हूं। द काइंड हार्टेड फॉरेस्ट फ्रेंड्स वंस अपॉन अ टाइम इन अ लश एंड मैजिकल फॉरेस्ट। सो दैट्स हाउ इजीली यू कैन मेक एनिमेटेड कार्टून स्टोरी वीडियोस फॉर यूट्यूब। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप काम करते रहेंगे तब आप यूज टू हो जाएंगे और आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा और आपको इजीली ये सारा काम जो है कर सकेंगे। अब देखिए जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तब आपको उस चीज़ के रिलेटेड और भी काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। AI के रिलेटेड जब आप AI से वीडियोज बनाएंगे आपको और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट का पता चलेगा जहाँ पे आपको फ्री में जो है वो ये सारा काम आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है वो अगर प्रीमियम जाना चाहते हैं, बहुत अनदर लेवल पर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसपे आपको ये सारा काम इजीली मिल जाता है और आप अपने चैनल को भी इजीली मोनिटाइज कर सकते हैं। अब देखिए इधर एक कन्फ्यूजन रहती है काफी लोगों को। पहले क्या होता था कि यूट्यूब AI वॉइस यानी रोबोटिक जो वॉइस होती है ना उसको मोनिटाइज नहीं करता था। रोबोटिक वॉइस ऐसी होती है कि वो मतलब एक बार में ही बंदा सुन ले तो वो कहेगा कि यार ये रोबोटिक वॉइस है, ये कोई इंसानी वॉइस नहीं है। लेकिन जो AI वॉइस होती है, जो ह्यूमन लाइक AI वॉइस होती हैं, उनको YouTube मोनिटाइज कर देती है। YouTube पे काफी चैनल्स मोनिटाइज भी हैं AI वॉइस के रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आप अपने खुद के वॉइस ओवर के ऊपर जो आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, सो ये बहुत ही एक ईजी काम हो जाएगा, ठीक है। आपको वॉइस ओवर लेने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके ऊपर आपने वॉइस ओवर करना है, उसको अपलोड करना है और सारा काम आपका वॉइस ओवर के जरिए ही हो जाएगा। इजीली काम है, ठीक है। अगर आप वॉइस ओवर खुद कर लेते हैं तो ये और भी काम आसान हो जाता है। सो आज की ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।